हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रोजगार विद नवी। दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन 2024 की भर्ती को लेकर के एक बड़ी अपडेट लेकर आए हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आपने आरआरबी टेक्नीशियन की भर्ती के लिए अप्लाई कर दिया है तो आपको बता दें कि यहां पर अब तक 12 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास में अपडेट आ चुका है, ऑफिशियली पूरी की पूरी अपडेट हम आपको बताने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो आपको बताएंगे कि कौन सी आरआरबी से आपको अप्लाई करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यहां पर सबसे ज्यादा कम कट ऑफ जाने वाली है। अगर आप इस आरआरबी से अप्लाई करते हैं तो आपको बता दें यहां पर आपका सिलेक्शन होना तय है। जी हाँ दोस्तों, काफी सारे कैंडिडेट्स जो हैं अलग अलग आरआरबी से अप्लाई कर रहे हैं, वो पूरी जानकारी हम आपको देंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट्स कौन कौन से जोन से, मतलब कि कौन कौन सी आरआरबी से अप्लाई कर रहे हैं। पूरी की पूरी लिस्ट हमारे पास है, पूरी की पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आगे बढ़े उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके शेयर करने से उन्हें भी जानकारी हो और वो भी अपने पसंद की आरआरबी के अनुसार अप्लाई कर सकें। और दोस्तों, रोजाना रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट पाने के लिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं आरआरबी टेक्नीशियन 2024 की भर्ती को लेकर के जो नया अपडेट आया है, जिसमें आपको बता दें कि अब तक आज की तारीख के अंदर 12 लाख फॉर्म यहां पर आ चुके हैं। जी हां दोस्तों, आज है 18 मार्च 2024 और 18 मार्च तक जो है 12 लाख से अधिक फॉर्म यहां पर आ चुके हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो फॉर्म जमा किए जा रहे हैं वो आपको बताएंगे कहां से फॉर्म ज्यादा भरे जा रहे हैं, कौन कौन से कैंडिडेट जो है कौन कौन सी आरआरबी जोन से अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन 5 जोन ऐसे हैं जहां पर अब तक सबसे ज्यादा फॉर्म आ चुके हैं। अगर आपने उन जोन के लिए अप्लाई किया है तो वहां पर आपका कंपटीशन काफी टफ होने वाला है। जी हां दोस्तों, वहां पर जो कट ऑफ जाएगी काफी हाई जाएगी, काफी मेरिट लंबी जाने वाली है। ठीक है, तो कहां पर सबसे कम कट ऑफ होने वाली है वो पूरी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं सीधा ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। दोस्तों, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है tipswarrelbus.xyz। यहां पर आपको रोजाना रेलवे भर्ती की नई अपडेट सबसे पहले दी जाती है। रेलवे की कोई भी नई भर्ती आती है या रेलवे भर्ती को लेकर के कोई भी अनाउंसमेंट होती है, उसकी अपडेट आप यहां से ले सकते हैं और अप्लाई करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से टेक्नीशियन की भर्ती के आवेदन मांगे जा रहे हैं। आवेदन जो है 8 अप्रैल 2024 तक चलेंगे, लगभग रात के 12 बजे तक जो है आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एक बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, आप ये मान के चलिए 8 अप्रैल से पहले यानी कि 7 अप्रैल तक जो है आप ऑनलाइन फॉर्म भर के सबमिट कर दीजिएगा। अदरवाइज यहां पर पिछली बार जो असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी में हुआ था वही कांड यहां पर भी हो सकता है। जी हां दोस्तों, यहां पर जो है सर्वर डाउन हो सकता है जिसके कारण से आपका फॉर्म जो है सबमिट नहीं हो पाएगा। काफी सारे कैंडिडेट्स ने जो है ऑनलाइन फॉर्म भर दिया था लेकिन सबमिट नहीं किया था, इसी कारण से कि यहां पर कोई बदलाव आता है, कोई भी अपडेट आता है तो हम यहां पर मॉडिफाई करके अप्लाई कर सकेंगे। तो दोस्तों, आपको वो गलती नहीं करनी है, सबसे पहले तो आपको फॉर्म भर देना है और हाथों हाथ सबमिट कर देना है, ताकि यहां पर वेबसाइट में कोई भी टेक्निकल इश्यू आता है तो आपका फॉर्म जो है पेंडिंग ना रह जाए। आप सबसे पहले तो उसे सबमिट कर दीजिएगा, बाद में जो होगा उसे देखा जाएगा। यहां पर जो है रेलवे की तरफ से आपको एक करेक्शन का ऑप्शन भी मिलता है, तो करेक्शन करके भी आप जो है फॉर्म को मॉडिफाई भी कर सकेंगे। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं रेलवे की तरफ से FAQ का यहां पर जो है फॉर्म जारी किया गया, जिसमें आपको बताया गया है कि रेलवे टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है CEN 02/2024, इसके आवेदन कब से कब तक चलेंगे, 8 अप्रैल तक आपको अप्लाई कर लेना है, लास्ट डेट यहां पर साफ साफ बताई गई है। यहां पर जो कैंडिडेट सवाल करते हैं उन सभी सवालों को यहां पर ध्यान में रखते हुए रेलवे ने उन सभी सवालों के जवाब यहां पर दिए हैं। एक बात का और ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको एक बार फिर से मौका मिलेगा सबमिट करने के बाद 8 अप्रैल के बाद में 9 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच में आप जो है आपकी एप्लीकेशन को जो है मॉडिफाई कर सकेंगे, करेक्शन कर सकेंगे। तो अगर आपने कोई भी गलती कर दी है, कोई भी त्रुटि आप करना चाहेंगे तो आप यहां पर केवल 250 रुपए का पेमेंट करके जो है करेक्शन कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, एप्लीकेशन फीस देने के बाद में यहां पर सिर्फ करेक्शन का चार्जेस आपसे लिया जा रहा है 250 रुपए का, जो कि नॉन रिफंडेबल है। वो सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए रहेगा, चाहे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी के हैं तो यहां पर आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है,
चलिए आपको बताते हैं कौन कौन सी जॉन से आपको अप्लाई करना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको शॉर्टकट में आरआरबी टेक्नीशियन की भर्ती की थोड़ी जानकारी दे देते हैं, ताकि अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो भी क्लियर हो जाए। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से CEN 02/2024 टेक्नीशियन की भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है। 9144 पोस्ट पर भर्ती है, जिसके आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया की जॉब है। अब यहां पर एक सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि क्या मैं राजस्थान में रहता हूं तो क्या मैं महाराष्ट्र के लिए अप्लाई कर सकता हूं, क्या मैं पंजाब में रहता हूं क्या मैं राजस्थान के लिए अप्लाई कर सकता हूं, क्या मैं यूपी में रहता हूं क्या मैं गुजरात के लिए अप्लाई कर सकता हूं। ये काफी सारे सवाल हमारे पास बार बार आ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जो अपडेट दिया था, तो यहां पर कई बच्चे जो हैं हमसे सवाल कर रहे हैं। तो आपको बता दें दोस्तों, हाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, 100% अप्लाई कर सकते हैं। आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी आरआरबी जोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहां पर आपको छूट है, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पिछली बार जब ये भर्ती निकाली गई थी टेक्नीशियन की भर्ती, उस वक्त कितने लोगों ने उस जोन के लिए अप्लाई किया था और वहां पर कट ऑफ कितनी गई थी। अगर आपको ये आइडिया हो जाए तो आप अप्लाई कर सकते हैं बड़े ही आसानी से, और आप सिलेक्शन भी पा सकते हैं। बस यही एक शुरुआत में आपको आइडिया लेना होता है, ताकि आप यहां पर सिलेक्शन पा सके। कई बच्चे यहां पर गलतियां करते हैं, उनको ये पता नहीं होता है, और वो जो है अपने पसंद से, जैसे कि उनको लगता है कि मैं राजस्थान में रह रहा हूं तो राजस्थान में अप्लाई कर देता हूं, ठीक है, कहीं पर भी अप्लाई कर देता हूं तो यहां पर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप थोड़ा सा सोच समझ के विचार करके करिएगा। पहले चलता था, लेकिन अब कॉम्पिटिशन ज्यादा होने लग गया है, वैकेंसी काफी कम आ रही है, और आपको बता दें कि कॉम्पिटिशन ज्यादा होने की वजह से यहां पर जो है कट ऑफ काफी हाई जाती है। तो ये एनालिस्ट नहीं कर पा सकते हैं, आप भी नहीं कर सकते, ना मैं कर सकता हूं, कि यहां पर कौन से स्टेट में, मतलब कौन सी आरआरबी में कितनी कम कट ऑफ जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको बता दें, अभी तक जो अपडेट हमारे पास आया है उसके मुताबिक हम आपको बताएंगे कौन से जोन से, कौन से आरआरबी से आपको अप्लाई करना चाहिए, जहां पर कट ऑफ कम जाने वाली है। तो टेक्नीशियन की जो भर्ती है, ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की वैकेंसी है, जैसा कि आपको पता ही है। सिलेक्शन का प्रोसेस यहां पर सीबीडी बेस के आधार पर रहेगा, स्टेज 1 और स्टेज 2, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके होंगे, और फाइनली मेडिकल एग्जाम भी होगा। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया की रहेगी। एज लिमिट 18 से 36 साल है। आई सीमा में छूट भी है। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए 500 है, एससी एसटी के लिए 250, जिसका पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है। बाकी क्वालिफिकेशन में 10th आईटीआई डिप्लोमा डिग्री पास सभी कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस यहां पर दिया गया है, 9 मार्च से 8 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो सीबीटी बेस का जो एग्जाम होगा वो अक्टूबर से लेकर के दिसंबर 2024, यानी कि इसी साल में आपके एग्जाम भी हो जाएंगे, ठीक है। तो 2025 में आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है, क्योंकि एग्जाम होने के बाद में केवल आपका रहता है यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और यहां पर आपका केवल वो रहेगा क्या बोलते हैं उसका मेडिकल एग्जाम, ठीक है। तो ये होने के बाद आपको जॉइनिंग मिल जाएगी, ठीक है। और यहां पर आपको अप्लाई करने का लिंक दिया गया है, यहां से आप डायरेक्टली आपका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यहां पर आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आपको अप्लाई पर क्लिक करना है, क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है, ओके करना है, और ये रहा ऑनलाइन फॉर्म। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस ऑनलाइन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरिएगा, ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। एक बार आपने जो अपडेट यहां पर डाल दी वो बार बार करेक्शन नहीं होगी। जब भी आप मॉडिफाई कराएंगे तो आप यहां पर आपका नाम अपडेट नहीं कर सकते हैं, आपके पिताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ को आप अपडेट नहीं कर पाएंगे। ये आपको करेक्शन के टाइम में मौका नहीं दिया जाएगा। बाकी दूसरे जो भी ऑप्शन है वो आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन ये ऑप्शन आपके सामने नहीं आएगा। नेशनलिटी आपको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपका नाम वगैरह जो भी है सब इंफॉर्मेशन आपको 10वीं के बेसिस पे डालनी होगी। 10वीं की मार्कशीट में जो भी आपकी जानकारी है वही दीजिएगा, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ। बाकी आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं, आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट नहीं होगा। अब आपको बता दें किस जोन से आपको अप्लाई करना चाहिए। तो रेलवे ने जब नोटिफिकेशन जारी किया था टेक्नीशियन की भर्ती का, तो यहां पर नीचे आप अगर आएंगे तो आप देख सकते हैं 19 नंबर का जो पेज है उसमें आपको आना है। 43 नंबर के 43 पेजेस यहां पर दिए गए, 19 नंबर के पेजेस पे आपको आ जाना है। यहां पर टेक्नीशियन आप देख सकते हैं ग्रेड 1, ठीक है, सिग्नल की वैकेंसी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कौन कौन से आरआरबी से कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। यहां पर आपको नीचे आना है, माफ कीजिएगा, ये रहा, ठीक है, यहां पर आपको आना है, ठीक है, पेज नंबर 21 में आपको आना है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए, ग्रेड 3 के लिए, और यहां पर अलग अलग ब्रांचेज में, अलग अलग ट्रेड में कितनी कितनी वैकेंसीज है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है। ज्यादातर जो बच्चे गलतियां करते हैं वो यही करते हैं कि जहां पर ज्यादातर ज्यादा वैकेंसीज होती है वहीं के लिए वो अप्लाई कर देते हैं, चाहे वो किसी भी आरआरबी से हो। जैसे कि मान लीजिए राजस्थान में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, ठीक है, तो वहां पर ही सबसे ज्यादा फॉर्म आएंगे। ये कैंडिडेट्स गलतियां करते हैं, उनका सिलेक्शन होना बहुत कम हो जाता है। सिलेक्शन हो जाता है लेकिन काफी कंपटीशन वहां पर ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण से कट ऑफ ज्यादा हाई चल जाती है और चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। अगर 100 कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं तो मान लीजिए उनमें से सिर्फ 5 या 10 के ही सिलेक्शन होंगे, बाकी यहां पर एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा रहता है, कट ऑफ ज्यादा हाई हो जाती है, तो यहां पर जो है कम कैंडिडेट्स को लिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर आपको बता दें, जैसे कि वेस्टर्न रेलवे की बात की जाए, रेलवे आरआरबी की, तो यहां पर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसी
वैकेंसी है और टोटल वैकेंसी जो है आप देख सकते हैं 337 है, ठीक है। और ये जनरल की है, बाकी एससी एसटी के अलग अलग है, टोटल 761 वैकेंसीज हैं, ठीक है। वहीं बात की जाए अजमेर की, ठीक है, आरआरबी अजमेर की बात की जाए तो यहां पर कितनी वैकेंसीज है, टोटल 522 है, ठीक है। अब आप मान लीजिए अगर आपको अजमेर के लिए अप्लाई करना है, अगर आप मान लीजिए पंजाब में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, अगर आपको अप्लाई करना है आरआरबी अजमेर में तो यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, यहां पर काफी सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है, अभी तक का रिकॉर्ड है, काफी सारे कैंडिडेट्स जो हैं यहां पर सिलेक्शन पाते हैं। दोस्तों यहां पर आपको ये चेकआउट करना है कि यहां पर कौन सी कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप चाहें एससी एसटी में होने के बाद में भी जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आप कॉम्पिटिशन को फाइट कर सकते हैं तो आप जनरल की जनरल में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एससी एसटी के कैंडिडेट्स होने के बाद में भी आप जनरल कैंडिडेट्स कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, अप्लाई कर सकते हैं 100%, कोई भी आपको नहीं रोकेगा। यहां पर आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगाना ही नहीं है, सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाना है, आपको जनरल से अप्लाई करना है। और जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो वहां पर आपसे कैटेगरी पूछी जाएगी, एससी एसटी ओबीसी या जनरल, तो आप वहां पर जनरल सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आगे जाकर के, ठीक है। आपको सिर्फ जनरल से अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैटेगरी से भी, ध्यान रखिएगा। यहां पर काफी सारे कैंडिडेट जो है कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सर हम एससी एसटी में आते हैं, एससी में आते हैं तो क्या हम जनरल के लिए अप्लाई कर सकते हैं? हां 100% अप्लाई कर सकते हैं, आपको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाना है, अप्लाई करते समय आपको जनरल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहां पर आपको अप्लाई करते वक्त ध्यान रखना है, जहां पर भी कम वैकेंसीज हैं वहां पर आपको अप्लाई करना है। जैसा कि यहां पर ज्यादा वैकेंसीज हैं, आप देख सकते हैं यहां पर ट्रेड वाइज आपको देख लेना है कौन सी ट्रेड के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। दोस्तों इस प्रकार आपको अप्लाई करना होगा। और आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो 5 ऐसी आरआरबी है जहां पर आवेदन मांगे जा रहे हैं, ठीक है, बेंगलोर में सबसे ज्यादा आवेदन मांगे जा रहे हैं, अभी तक सबसे ज्यादा बेंगलोर में आवेदन मांगे जा रहे हैं, आवेदन जो है सबसे ज्यादा बेंगलोर में आए, लगभग 2 लाख फॉर्म यहां पर आ चुके हैं अब तक, ठीक है। और भोपाल में भी सबसे ज्यादा फॉर्म आए, 1.5 लाख फॉर्म आ चुके हैं, ठीक है। तो काफी सारे फोरम यहां पर डाले जा रहे हैं, भोपाल में, बेंगलोर में, भुवनेश्वर में भी, क्योंकि पहले यहां पर भर्तियां निकाली जाती थी और यहां पर सबसे ज्यादा वैकेंसीज होती है, ठीक है। और यहां पर सबसे ज्यादा कट ऑफ जो है हाई जाती है, ठीक है। तो यहां पर आप अप्लाई मत कीजिएगा, आप सभी को बताना चाहता हूं मैं। और यहां पर नीचे एक और बता देते हैं आपको, यहां पर जो है चेन्नई, ठीक है, चेन्नई में भी सबसे ज्यादा आवेदन मांगे जा रहे हैं। चंडीगढ़ में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, यहां पर वैकेंसीज कम है लेकिन यहां पर सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है, कम वैकेंसी होने के कारण यहां पर जो है कैंडिडेट्स अप्लाई कम कर रहे हैं, जिसका मौका आपको मिल सकता है। चंडीगढ़ में अप्लाई कीजिएगा, ठीक है, सबसे ज्यादा। और यहां पर आपको बता दें गुवाहाटी में सबसे ज्यादा फोरम आ रहे हैं, ठीक है, गुवाहाटी में भी सबसे ज्यादा फोरम आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर अभी तक जो भर्तियां निकाली गई है पहले के रिकॉर्ड में देखा जाए तो यहां पर गुवाहाटी से सबसे ज्यादा आवेदन आए हैं, ठीक है, तो इस बार भी ज्यादा आवेदन आ रहे हैं, ठीक है। और आप चाहें तो जम्मू कश्मीर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, काफी कम जो है यहां पर फोरम आते हैं, अब तक का रिकॉर्ड है जम्मू कश्मीर में जो है काफी कम कैंडिडेट्स जो है अप्लाई करते हैं, ठंडा इलाका है इस कारण से वहां पर कई कैंडिडेट्स अप्लाई करना नहीं चाहते हैं, वहां पर रहना नहीं चाहते हैं। तो आपको बता दें जम्मू कश्मीर से अप्लाई करके जॉब ज्वाइनिंग लेकर के आप बाद में ट्रांसफर भी ले सकते हैं, तो अप्लाई कीजिएगा। ये कुछ ऐसे जोन है जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं, यहां पर कम कट ऑफ है, और कुछ ऐसे जोन मैंने आपको बताया जहां पर सबसे ज्यादा जो है फॉर्म आ रहे हैं, ठीक है, तो अप्लाई कीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रोजाना आपको नई अपडेट दी जा रही है, ठीक है, चैनल को, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।